very, 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 very special. I would love to call him a friend because and an admirer of his work, because I was not just preparing my dreams to make films. While I was on my journey in the midst of it making films, I once went to Rex Theatre in Bangalore, and one film just triggered me again to go back and finally pursue my dream to make films. And it is a very happy moment here that someone who brings about the Punjabi culture very frequently in his films has Punjabi music as a very integral part of his films. And I would say, I think from the very second film that I saw of his till the very recent one that I've seen, every film has a touch of Punjab that doesn't go out of his narrative, his music, his screenplays. And I, as a sir, National Award winning filmmaker, would like to invite one of the filmmakers in India who is far dearer to me, and I have grown up seeing his work, Shri Imtiaz Ali, the very well-known director for making films like Jab Bhi Met Sochanath. Sochanath is the first film I remember watching of yours. Jab Harry Met Sejal, I remember watching it with my wife. And Imtiaz sir, we would like to invite you on stage to the session. Sat Sri Akal, good evening. It's always a pleasure to stand on this stage. Meri friend Jesse hai yahan par, jo ki filmmaker hai. और मैं इनको भी यहाँ लाया, उनसे कह रहा था कि जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में था तो इस स्टेज पर मैंने एक ड्रामा किया था, मैंने एक्ट किया था यहाँ पे, मैं हिंदू कॉलेज में था. तो अभी उन दिनों की याद आ रही है. उस वक्त नीलम मान सिंह चौधरी जी, वो शी वॉज द चीफ गेस्ट फॉर दैट प्ले, आई हैड ऑल्सो डायरेक्टेड इट. और अब इतने साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, एंड दैट्स थैंक्स टू मिस्टर विक्की. एंड क्योंकि मेरी डॉटर चैपमैन यूनिवर्सिटी में, उसने फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स किया है विद एन एम्फेसिस ऑन डायरेक्शन, और जितने साल वो चार साल वहाँ थी, ही वॉज द गार्जियन मेंबर ऑफ हर. और मैं ये बात बता दूँ कि कोई भी हिंदुस्तानी और ख़ास करके पंजाबी स्टूडेंट जो वहाँ होता है, उनके करता धरता सब विक्की साहब ही होते हैं. And I've seen it with my own eyes, with my own daughter. So I must thank you, Mr. Vicky, on this stage for being the way you are and for always having your home doors open to all people. Thank you. So यहाँ आकर के आप लोग जो फेस्टिवल कर रहे हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत, एक्चुअली विक्की साहब ने पहले भी बताया था, बट कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैं किसी वजह से चंडीगढ़ में था और ये साहब भी हैं, तो हम लोग टकरा गए एक दूसरे से और मैं यहाँ आ गया. मेरी खुशकिस्मती है जस्ट यहाँ की एनर्जी लेने के लिए. और आप लोग सबको जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फेस्टिवल में, उनको बधाई देने के लिए, टू विश यू ऑल द बेस्ट. सो जस्ट माय गुड फॉर्च्यून दैट आई एम हियर. आई आल्सो मेट रोज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. संगरूर में हमने बहुत दिन साथ में काम किया है, बल्कि मैंने इनका नमक भी खाया है, बिकॉज ये अपने घर से बहुत सारा खाना बना करके भिजवाया करती थी. सो मैंने अभी कुछ हाल फिलहाल में पिछले साल पंजाब में कुछ शूटिंग की थी, उस फिल्म का नाम है चमकीला. वो फिल्म अभी कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है, और उसमें हमारी शूटिंग सब संगरूर और टूरी एंड मलेरकोटला, इन जगहों पर थी जो आज भी 80s का पंजाब लगता है, पुराना वाला पंजाब. तो वी वर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट एरा. सो उसमें बहुत साथ रहा बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं कुछ नहीं हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट टू द सिख लेंस फेस्टिवल. एंड आपने जो अभी गतके की टीम यहाँ पे थी, उसको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, वो जहाँ भी हैं उनको मेरी तरफ से सत श्री अकाल. ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, एंड मेरी खुशकिस्मती दैट आई कुड बी हियर विद ऑल ऑफ यू टुडे.